हेलो फ्रेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और ये हो रहा है सुबह का टाइम और दिन है बुधवार, तो यहाँ पे मम्मी ही तैयारी कर रही है खाना बनाने की। मैंने उनसे बोला मुझे बाजरा की रोटी और बेसन की सब्ज़ी खानी है, यानी कि पालक की कढ़ी और रोटी बाजरा की खानी है, तो वो वही बना रही थी। क्योंकि इतना अच्छी तरह हम नहीं बना पाते हैं जितना अच्छी तरह मम्मी बना देती है। हमेशा अच्छा बनाती हैं, पता नहीं जाने क्यों अपने हाथों की चीज़ कभी भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे वही मम्मी सब्ज़ी चौका छाकी कर रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। और चूल्हे की जो सब्ज़ी होती है उनमें तो स्वाद ही कुछ अलग होता है, धुएँ से ही स्वाद हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने पहले बाजरा की रोटी बनाई थी, गेहूँ की बाद में बनाई थी। और ये खेत में ही हो रखा है मूरा, तो मम्मी वहाँ से अभी छोटे छोटे हैं मूरा तोड़ के लेके आई थी, उखाड़ के। तोड़े नहीं जाते हैं, जो उखाड़े जाते हैं, मैं भी पता नहीं क्या। तो पूजा यहाँ पे खा रही है सब्जी रोटी बाजरा की, तो उसने मेरे लिए भी लगा दिया। और हम यहाँ पे बिना नहाए धोए खाने में लगे हुए हैं। सुबह का टाइम है जी 10 बजे का, तो आराम से खा रहे हैं। ना नहाने की टेंशन, ना धोने की टेंशन, सिर्फ खाना है। तो यहाँ पे बना रही है हमारी मम्मी रोटी और पूजा खा रही है, मैं भी खा रही हूँ बाजरा की रोटी। और लवी पता है बाजरा की रोटी से गहरी नहीं, मम्मी ये पता नहीं क्या है, अच्छी नहीं है। और यहाँ पे पीसने के लिए मम्मी ने गेहूँ सुखा दिए थे धो के, तो इनमें इसको ऐसा लगा पता नहीं मैं यानी कहाँ पे आ गई, तो इसने पूरे गेहूँ पूरे आंगन में फैला दिए, पूरे धुले धुलाए गेहूँ रखे थे सब फैला दिए। मम्मी फिर भी, मैं इसको डांट रही थी, मम्मी फिर भी बोल रही थी खेल लंदो कुछ नहीं हो रहा है। और ये गेहूँ पैर से उल रही थी, जैसे कि बेड के गद्दे पे मैं उल रही हूँ। अभी इसके लग जाती कितना तेज़ उली है, मानती नहीं है, बहुत खुश हो जाती है कभी कभी। तो ये बिल्कुल अपना आपा खो देती है कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, वही खेलने में लगी हुई है ये। और टोपा नहीं निकालती है। और यहाँ पे इसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ गई है, यानी कि परी। अब दोनों बाहर खेल रही थी लवी, लेकिन इसने बुला लिया अंदर चलो बाबू, और वो अंदर अब खुद तो फैला ही रही थी और वो लवी परी भी बुला ली खुद ने। तो आराम से दोनों मैडम खेल रही थी एक दूसरे के ऊपर फेंका फाकी। और डर लगता है कहीं नाक पाक में ना घुस जाए इनके, क्योंकि नाक में बहुत बार एक बार सौरभ के चना घुस गया था, मम्मी बता रही थी। तो बहुत डॉक्टर पर निकलवा के लाए थे, पता ही नहीं चला था। और कहीं ये बहाना ले आती है, कहीं कुछ ले आती है, भर भर के खेल रही है। फिर मम्मी ने दोबारा धुले हैं आज ये गेहूँ, तब से डाली है सुखाने के लिए। मम्मी ने बोल दिया अब नहीं चढ़नी चाहिए, मानती नहीं है। क्यों हमारे यहाँ क्या है ना, हम क्या कर रही है जी, पीसना वगैरह नहीं करते हैं, तो इसको पता नहीं है, इसको खेलने के लिए कुछ चाहिए। और यहाँ पे ये गैया का बच्चा है, बछड़ा, जो रोज आता है खाने के लिए रोटी, तो वही इसको डर लग रहा है लवी को बहुत ज़्यादा। इसका टाइम है पता है आने का, ये 11 बजे तक आ जाती है। और मम्मी इसके लिए रोटी भरा के 3-4 रख देती हैं पहले ही। और पता है जानवर भी कितनी अच्छी तरह जानते हैं कि हमें यहीं पे खाना है या जाना है, तो आराम से आती है और खा के बड़ी शांति से चली जाती है। तो हमने सोचा हम बाज़ार करने के लिए चले जाएँ, 2 बजे का टाइम हो रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ वाहन आ जाए, तो वहाँ पर गेट के बाद चले जाएंगे। जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने अपने लिए, देखती हूँ क्या लेके आती हूँ, पता चलेगा अभी। और तो अभी हम वेट कर रहे हैं वाहन का, आज जाएंगे हम अपने पुराने यादों के साथ, यानी कि दिखाऊंगी आपको मैं किस में जाऊँगी। यहाँ पे खड़े खड़े हमको 1 घंटा हो गया था, मम्मी तो कह रही थी हम मत जाओ, 4:15 बज गए वापस आ जाओ, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम जाएंगे आज। जनरल स्टोर पर भी गए थे, लेकिन ना मुझे अच्छा नहीं लगता है अभी थोड़ा सा पब्लिक में रिकॉर्ड करना। और पता है देहात भी सारा क्षेत्र है ना, ज़्यादा इसमें वो नहीं है, तो अभी जानते भी नहीं है लोग के वीडियो रिकॉर्डिंग, सबको गलत सा लगता है, इसीलिए मैंने सिर्फ साड़ियों वाली दुकान पर ही रिकॉर्ड किया था थोड़ा सा। तो वही यहाँ पे मुझे साड़ी अच्छी नहीं लगी थी, जैसी मुझे लेनी थी वैसी मुझे नहीं मिली। मैंने सिर्फ 2 साड़ियाँ ली हैं डेली यूज़ के लिए सिंपल वाली, क्योंकि
भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा, शादियों का वो है, वो बोल रहे थे दुकान वाले भैया के भाई। तो मैं और लवी कहाँ जा रहे हैं, पता कहाँ पे जा रहे हैं? मम्मी पास। चलो चलते हैं मम्मी के पास। गोदी में नहीं, अब तो तुम तो मुझे तो वो पहन लेने दे। कौन सा? नहीं मिट्टी। ये टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, हम मार्केट से हम आ गए थे तब। तो लवी को पता नहीं क्या इतनी इससे दोस्ती है कि इसके बिना रह नहीं पाती है, 2-3 चक्कर लगवा ही लेती है दूसरे वाले घर के। तो ये यहाँ पे खेल खेल के सो गई थी, तो मैंने गोदी में सुला लिया था, तो उधर से मैं इसको ले कर आ रही हूँ। अंधेरा सा भी होता जा रहा है तो चलती हूँ। मम्मी ने बना ली थी मेरे लिए चाय, कि वो चिल्ला दी है मम्मी बहुत कि वहाँ पे बैठी रह जाती है, अभी तक आती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चाची हैं, मनु है, सोनिया है, छोटी चाची है, सब लोग बैठा लेते हैं कि बैठ जाओ, तो लेट हो जाते हैं। मम्मी का इतने में पारा गर्म हो जाता है कि कहीं भी जाती हो बैठी रह जाती हो बस। तो चाय वाय का मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो यहाँ पर रोटियाँ हो रही है चूल्हे की। तब से मैं आई हूँ तब से मम्मी ने एक ही चीज़ रट ली है कि चूल्हे पर ही रोटी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने एक दिन बोल दिया था कि मम्मी रोटी चूल्हे पर बनाना, गैस की खाका के बोर हो गए हैं। तो मम्मी शाम को भी सुबह भी चूल्हे पे ही बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं, मम्मी, पूजा, सौरभ सब लोग बैठे थे और लवी भी सो के उठ गई थी इतने में। और लवी ने रात में इतना दुखी कर लिया था क्योंकि ये शाम को सो गई थी, तो रात में बहुत लेट सोई थी। इतना खेली सौरभ के साथ 12:15 बजे तक, तो ये खेलती रही। और ये देख सकते हो आप कितना खेल रही है, इतना दुखी कर लिया। मम्मी क्या है ना, सुबह 4 बजे की उठती हैं, तो मम्मी को जल्दी नींद आ जाती है। यहाँ पे क्या है ना, 7 बजे तक खाना पीना खा के अपनी अपनी बिस्तरों में घुस जाते हैं, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। तो मम्मी सुबह जल्दी उठती हैं तो शाम को भी जल्दी सोती हैं, तो उनके सिर में दर्द कर देती है ये। जिस दिन अगर शाम को सो जाती है ना लवी, तो रात में बहुत लेट सोती है, क्योंकि उसको घर की आदत पड़ी हुई है रात में सोने की, क्योंकि हम वहाँ पर 12 बज जाते हैं, सॉरी मैं 1 भी बज जाता है, क्योंकि वहाँ पर काम ही हमारा ऐसा है। तो यहाँ पर सौरभ लेट सोता है क्योंकि इसको आदत है, ये वहाँ पे कोटा पढ़ा था पहले, तो इसको आदत है लेट तक सोने की, तो ये इसको अभी तक लेट तक सोने की आदत है। तो ये खेलता रहता है, बात भी करती रहती है, और मम्मी हमारी गुल हो जाती हैं, सो जाती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि चाहे खेलते रहो चाहे बोलते रहो, मुझे सोने दो भैया। तो मम्मी सो जाती हैं। तो यहाँ पर मामा और भांजी खेलने में लगी हैं, और इसको लग गई थी रास्ते में तरी, तो इसको उल्टियाँ हो गई थी, तो इसके कपड़े चेंज कर दिए थे हमने। तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, मैं 1 लाइक का बहुत भी सर्विस वेट करती हूँ आपका। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, यानी एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में, गाँव के साथ में वीडियो बनाते हुए। तब तक के लिए बाय।